अभी हम मौजूद हैं कहलगांव के एक शाड़ी पंचायत में। यहाँ पर पंचायत चुनाव का अंतिम चरण की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। हमारे साथ हैं एक चारी पंचायत से मुखिया निवर्तमान जो हैं इंदिरा देवी, उनके प्रतिनिधि प्रमोद जी, इनसे बात करेंगे। फिर इस बार मैदान में हैं, क्या काम बाकी रह गए थे, क्या काम शेष थे, इसको लेकर आप मैदान में उतरे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका बिग न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं तमाम एक चारी पंचायत के बड़े बुजुर्ग माता बहनों को प्रणाम करता हूँ। हमें जो है, जो मेरी माँ वर्तमान में मुखिया रही, लेकिन काम करने का मौका नहीं मिला। मतलब 3 साल जो मेरा जो विपक्षी है वह मेरे ऊपर लगे रहें, रिकाउंटिंग 2 साल के बाद कराएं, और ऐसा रिकाउंटिंग हमको लगता नहीं है कि पूरे बिहार में नहीं हुआ। उसमें वह परेशान करके काम को 2 साल बाधा किया। उसके बाद हम आए तो वह अपने से मर्डर केस में, हमको झूठा मर्डर केस में 1 साल के लिए जेल में रख दिया। उसमें भी बाधा हुआ, और जो भी हम काम करना चाहें उस पे आवेदन पे आवेदन दे करके रोकने का काम किया, तो पर भी हम आने 19 और 20 हमको मौका मिला, और उसमें मैंने हर काम जहाँ तक हुआ जनता से डायरेक्ट मिल के उसको बुला करके काम किया। इसमें कोई बिचौलिया को मैंने नहीं रखा, और बहुत सारा काम किए। 19 नंबर में 2 बोरिंग हुआ, नली गली का जहाँ तक उसका फंड था मैंने काम किया। राशन कार्ड सिर्फ रामपुर खरारा में मैंने सिर्फ 19 नंबर वार्ड में 150 राशन कार्ड इंदिरावास, और उसमें 150 पुनः जो है इंदिरावास में नाम जुटा। गरीब को शादी विवाह लड़की श्राद्ध में मैंने मदद किया। 1900 वार्ड, 1 से लेकर के 1900 वार्ड में मैंने जहां तक संभव हुआ, जैसा समय मिला, नली गली हर काम, राशन, वृद्धा पेंशन, हर काम को मैंने अपने दिमाग से, अपने मजबूती से, अपने घर पे ही उसको बुला करके किया। किसी से मैंने 1 रुपया भी मांग नहीं किया। और आज वृद्धा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, करीब मैंने 2000 बूढ़ा बूढ़ी का पास कराया, और इंदिरा आवास करीब 650 का मैंने घर बनवाया, और 1142 का नाम जुड़वाया, और 1100 सेकेंड लॉट में भी मैंने 2000 का नाम जुड़वाया। और मेरा है तमन्ना कि मैं सभी जो भी झोपड़ी है या फूस का है, मैं उन्हें पक्का बना के रहूँगा। जिस जहाँ हमको बाधा आया है पंचायत सरकार भवन में, मेरा सारा प्रक्रिया कंप्लीट था, लेकिन उसे बाधा कर दिया। 1,40,00,000 का योजना था, वह भी रोकवा दिया गया, और जहाँ भी मैंने काम किया केस में फंसा दिया गया, बाधा किया। कम करीब हमारे एक चारी पंचायत के रसलपुर गांव के करीब 150 विद्यार्थी स्टूडेंट को केसों में घसीटा गया, उसे तबाह करने का प्रयास किया, जो कि विकास नहीं हो। बहुत ऐसा वार्ड उसके पक्ष के थे जो कि काम करना नहीं चाहा, और मैंने काम करना चाहा, लेकिन वार्ड और जो बिहार सरकार की योजना थी, जो कि मुखिया और वार्ड का जो बीच रहा, उसमें भी बाधा हुआ। आज हम खुलेआम घूमते हैं और सच्चाई को रखते हैं। अभी कल या परसों जो है आरोप मेरे ऊपर जो है, खुद मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि शिवदानी पटेल ने आरोप लगाया कि मेरे पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, साड़ी खींचा, उसको इज्जत लूटने का काम मतलब करना चाहा, लेकिन यह जो है सरासर गलत है। मैं एक शिक्षक हूँ जो 20 सालों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में पूरे एक चारी पंचायत के
और भोलसर पंचायत को भी मैं शिक्षा से उजागर करने का प्रयास किया। जो अंधकार था मैं उसे दूर करने का प्रयास किया और मेरे ऊपर आज से नहीं, जब से मैं, एक भी केस मेरे ऊपर नहीं था जब से मैं इस क्षेत्र में आया, तो हम मेरे ऊपर 8-10 केस, झूठा केस कराया गया और बेवजह का फंसाया गया, जो कि नहीं होना चाहिए, और वह बाधक, विकास का बाधक का काम किया, वह नहीं होना चाहिए। इसका जवाब जनता स्वयं देगी। मैं जनता के ऊपर विश्वास करता हूं कि मेरा जनता जो है, जिस तरह हम खुलेआम खुले दिल से काम किया और उसका सम्मान किया, मैं सारा वार्ड को अपने दिल से चाहा और काम करने का प्रयास, सौंदर्यीकरण, दुर्गा स्थान सौंदर्यीकरण, पश्चिम टोला महादेव स्थान का सौंदर्यीकरण, पूरब टोला प्राथमिक विद्यालय का सौंदर्यीकरण, शिव मंदिर का सौंदर्यीकरण और हर गली नली को स्वच्छ करने का काम किया और करते रहूँगा। मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि जितना भी प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से सोचें समझें, जो अच्छा लगे आपको कि नहीं यही काम करने लायक है, गरीबों को सुनने वाले हैं और उसको जो है उठाने का काम करें, उसी को चुने। मेरा यही जो है संदेश है। जय हिंद, जय भारत। इस बार क्या लगता है कि सारे काम पूरे हो जाएंगे अगर 5 साल जनता और इस बार मौका देती है तो? मैं गारंटी देता हूं 100% कि अगर हमें यह 5 साल पूरा मिल जाए तो मैं पूर्ण रूपेण और जितना काम रुका है मैं उसे पूरा करके रहूँगा, यह मेरा वचन है। और मैं जनता से यही निवेदन करता हूँ कि हमें जो है 5 साल और मौका दें और मैं सारा काम और जो गुंडागर्दी है मैं उसको समाप्त, जो भी बचा है मैं गुंडागर्दी को ख़त्म करूँगा और शांति व्यवस्था को अपने पंचायत को ला करके और अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में सभी जनता को दिखाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ इस वक्त निवर्तमान जो मुखिया इंदिरा देवी, उनके प्रतिनिधि, और इस बार भी मैदान में हैं। अब देखना शेष यह है कि 8 तारीख को जो चुनाव है, जनता इसमें इनका कितना इस बार भी समर्थन करती है। अश्वनी कुमार, बिग न्यूज़ 41।